मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि राज्य के लोगों को आने वाले दिनों में और अधिक बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जल विद्युत उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उमियाम बांध में जल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर है और लगभग किनारे पर बंद करने का। सीएम कोनराड ने कहा कि उमियाम बांध लगभग बंद होने की स्थिति में है, क्योंकि राज्य में पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वर्षा नहीं हो रही है। उन्होंने आगे राज्य द्वारा सामना की जा रही कठिन स्थिति की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि लोड शेडिंग इससे आगे न बढ़े। उन्होंने कहा कि अगर अगले 100 दिनों में राज्य में स्थिति ऐसी ही बनी रही तो राज्य सरकार को बिजली खरीदने के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार राज्य में बिजली के मौजूदा स्तर को बनाए रखने के लिए MACL के दृष्टिकोण से बिजली की खरीद सहित विभिन्न खर्चों के भुगतान के लिए राज्य के राजस्व का लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सीएम ने कहा कि मानसून में देरी ने मेघालय में बिजली परिदृश्य को प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में संकट तभी बहाल होगा प्राप्त करता है बारिश आने वाले समय में दिन। उन्होंने यह भी कहा कि समान शक्ति संकट दूसरे राज्यों में भी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा, बारिश हर किसी को प्रभावित कर रही है और समग्र परिदृश्य हर जगह खराब है। So, Umiyam is almost at a point of shutdown. We have not received rainfall, to any, kind of required level in the past few months. And this has been one of the more difficult months in terms of rain for the state. While I say that, but let me also share with you that the power scenario is bad in most parts of the country today. Almost every state is facing a similar crisis which we are facing. That's because, as I said, the rains are affecting everybody. महेंद्रगंज विधायक संजय ए संगमा ने बुधवार को महेंद्रगंज में घेगापारा शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। नया शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र महेंद्रगंज CHC दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स के तहत स्थापित किया गया है। उद्घाटन समारोह में संगमा के साथ MDC अख्तर अली भी थे। बोला जा रहा है पर इस अवसर पर महेंद्रगंज विधायक ने मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को राज्य में पहला शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र UHWC प्रदान किया। उनके अनुसार इस केंद्र का बहुत महत्व है, क्योंकि यह घनी आबादी वाले क्षेत्र में कार्य करता है। उनका मानना है कि वेलनेस सेंटर महेंद्रगंज में स्थानीय निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करेगा। इससे पूर्व कार्यक्रम में डॉक्टर हिमांशु बर्मन ने स्वागत भाषण देते हुए केंद्र की स्थापना के पीछे के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्र के प्राथमिक ध्यान पर जोर दिया, विशेष रूप से प्रसव सेवाओं की आवश्यकता वाली माताओं की अपेक्षा। उन्होंने 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने और आसपास के गांवों में शिशु मृत्यु दर को कम करने के केंद्र के लक्ष्य पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा डॉक्टर बर्मन ने विधायक संजय एस संगमा से आपात स्थिति में शीघ्र चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शहरी केंद्र में एक एम्बुलेंस सेवा के लिए संसाधन आवंटित करने का आग्रह किया। 15वें वित्त आयोग के तहत घेगापारा अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत किया गया है। दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स को 5 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र आवंटित किए गए हैं, जो आने वाले दिनों में भी काम करेंगे। আমার এরিয়া আমি এখানে মানুষের দুঃখ সুখ বুঝে এখানে খুবই গারো এই গরিব আছে এখানে ফার্মারগুলা ম্যাক্সিমাম আছে এখানে পপুলেশন অনেক আছে মুসলিম হিন্দু এখানে হসপিটাল একটাই আছে মাত্র CHC এখানে অ্যাম্বুলেন্স ঠিক মতন নাই অ্যাম্বুলেন্স যেটা আছে ওটা ফাংশন না ওই জন্যে আমি খুবই খুশি আমি আমাদের কনরেড সাংমা চিফ মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই আমার গ্রামবাসী এর নামে আর আজকে এটা মেঘালয় মোটে হিস্ট্রি হইতেছি এই হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারটা আজকে প্রথম ইনোগ্রেশন মেঘালয় মোটে ফার্স্ট আমি করতেছি ওই জন্য আমি খুব খুশি এর শুরুয়াত মেঘালয় মোটে আরও অনেক অনেক করবো
কিন্তু এটা আমি আজকে শুনছি আমাকে টিএমএচও কইছে এটা প্রথম ইনোগ্রেশন এটা হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারটা। মারুপ্লোই ফাউন্ডেশন কে তহত মণিপুর কে স্বদেশী ট্রান্সজেন্ডার লোগো নে বুধবার কো মণিপুর কে রাজ্যপাল কো এক জ্ঞাপন সৌপা জিসমে রাজ্য মে সাম্প্রদায়িক সংকট কো রোকনে কে লিয়ে কদম উঠানে কা আগ্রহ কিয়া। ज्ञापन में उन्होंने राज्यपाल से अवैध सशस्त्र अभिनेताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया जो शूटिंग कर रहे हैं, घरों को जला रहे हैं और नागरिकों को धमका रहे हैं और कुकी उग्रवादियों को नियंत्रित करने और दंडित करने का आग्रह किया है। संचालन का निलंबन जमीन के नियम। वे आगे कहा, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समाधान के रूप में प्रस्तावित कोई भी नया प्रशासनिक ढांचा चरित्र में बहुजातीय होना चाहिए। मणिपुर की समग्र और बहुजातीय राजनीति को संरक्षित और मजबूत करना चाहिए। इसने केंद्र सरकार से असम राइफल सहित सभी सुरक्षा बलों को निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों को पूरा करने और सांप्रदायिक संघर्षों को जन्म देने वाली किसी भी गतिविधि से बचने के लिए सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मारुप्लोई फाउंडेशन मणिपुर की बोनिता पेबाम ने राज्यपाल से वर्तमान सांप्रदायिक संकट को रोकने के लिए तत्काल आदेश पारित करने और ऑपरेशन के निलंबन के तहत कुकी उग्रवादियों को निर्देश दिया कि वे कानून के जमीनी नियमों का पालन करें। संचालन का निलंबन राज्य में शांति बहाली के लिए। To submit a memorandum to the governor of Manipur because in Manipur since 3rd of last month in Manipur there has happening a communal riot and people are suffering a lot because of this and now it has been 35 days that the internet service has been shutting down which affect the lifeline of the many community people in the state and we are also working in the on internet through correspondence with different kinds of sector and so it also very big burden to the people and we are anticipating a economic crisis after this war after this communal crisis and also it affects a lot the people who are staying in the far flung places of the Imphal and Kuki militants who are under the Sioux they are coming out openly with arms and they are started shooting to the innocent people this is not what the India government has instructed to the Sioux militant they have broken already the Sioux guidelines so the government should taken up some necessary actions to halt this kind of unlawful act. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने भारत नेपाल सीमा पर एक बहुव्यापार गलियारा खोलने के लिए गेजिंग जिले के चेवाभंज्यांग का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूदा पर्यटन गेस्ट हाउस के पास एक नवनिर्मित वन अतिथि गृह का उद्घाटन किया जिसमें सिक्किम सशस्त्र पुलिस का आवास है। 2016 में राज्य के सड़क और पुल विभाग द्वारा शुरू की गई चेवाभंज्यांग उत्तरी सड़क भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली पहली सड़क है जो उत्तरे से लगभग 12 से 16 किलोमीटर दूर है। नेपाल ने पुष्पलाल मिड हिल्स हाईवे के माध्यम से चेवाभंज्यांग के साथ कनेक्टिविटी भी स्थापित की है। इसे पूर्व पश्चिम नेपाल राजमार्ग से जोड़कर उत्तराखंड तक पहुँचाया है। मुख्यमंत्री गोले ने व्यापार शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत और नेपाल दोनों को लाभ पहुंचाने वाली एक वाणिज्यिक और एकीकृत सीमा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में पूर्वी नेपाल के लोगों को समय पर सहायता प्रदान करते हुए सिक्किम में स्वास्थ्य पर्यटन का स्वागत करने की राज्य की इच्छा व्यक्त की। ये गेस्ट हाउस का जो उद्घाटन था विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम था उसमें शामिल होने साथ साथ ही यहाँ का एक व्यक्ति के रूप से यहाँ का भ्रमण देखना था चेवाभंज्यांग का देखना था और हमारा उद्देश्य क्या है कि ये चेवाभंज्यांग जो कॉरिडोर है जो बॉर्डर है नेपाल और भारत का बॉर्डर है इसको कैसे एक कमर्शियल बॉर्डर बना जाए और इंटीग्रेटेड बॉर्डर बना जाए ताकि वहाँ का जो लोग हैं और यहाँ का लोग उनको फ़ायदा मिले व्यापार का फ़ायदा मिले बहुत एजुकेशन का फ़ायदा मिले और कल्चर का फ़ायदा इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हैं।